तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लगेगी बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दुनिया आपको चीजें बहुत शुगर कोट करके दिखा रही है और आपको इसकी एक्चुअल रियलिटी कोई नहीं बताता। दुनिया में ऐसे कई सारे मतलबी लोग भी है जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर आपको उनसे डील करना है तो आपको भी मैनिपुलेटिव बनना पड़ेगा। आपको आपके बबल से बाहर निकलना पड़ेगा कि सब लोग अच्छे होते हैं, एंड ये वीडियो आपके सामने दुनिया की डार्क रियलिटी ला के रखेगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉ नंबर 1 के बारे में, अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। और आज हम लोग बारीकी से जानने वाले हैं लॉ नंबर 2 को। एंड और एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि अगर आप कोई हाई एक्सपेक्टेशन रख के आए हो कि इस वीडियो में डिंग डोंग एडिट्स होने वाले हैं, यहाँ वहाँ से चीजें उड़ती हुई आएगी, टेक्स्ट उड़ते हुए आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही है बिकॉज काफी ज्यादा कम्युनिटी मेंबर्स ने इसके बारे में रिक्वेस्ट किया था, वरना सीरियसली बता रहा हूँ मेरी हालत नहीं थी इस वीडियो को बनाने की। मैं इतना ज्यादा बीमार हूँ कि मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाता हूँ, आप मेरे वर्ड्स में फंबल्स भी महसूस कर सकते हो। तो दिस वीडियो इज स्ट्रिक्टली फॉर माय कम्युनिटी मेंबर्स, जो लोग इस चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं शुरुआत से। तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि आखिर ये लॉ नंबर 2 है क्या चीज। इट गोज बाय नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। अब इसको पार्ट बाय पार्ट डिकोड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स। इस चीज को मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए तो आप इसे लाइफ के हर एक सिचुएशन में अप्लाई करना सीख जाओगे। कई बार ऐसे होता है कि हमारे दिमाग में अगर कोई बिजनेस आइडिया है या फिर कोई स्टार्टअप आइडिया है तो हम सबसे पहले जाके अपने दोस्तों को बताते हैं, और कई बार हम लोग उन्हें पूछते हैं कि भाई क्या तू इसमें मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा। बट ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ऐसा करना ना सिर्फ आपकी उस इंसान के साथ रिलेशन खराब कर देगा, बट आपको मेंटली, फाइनेंशियली और इमोशनली एक बहुत बड़ा सेटबैक भी दे सकता है। एक ऐसा सेटबैक जिससे आपको उभरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को ऐसे समझो कि अगर आप किसी दोस्त को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हो तो आप उसकी गलतियां छुपा देते हो या फिर उसकी मिस्टेक्स उसे बताने से डरते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि ऐसा करने से शायद आपकी रिलेशन खराब हो जाए, आपकी इतने सालों की फ्रेंडशिप खराब हो जाए। और इस लाइन को अगर आप किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप दोनों दोस्तों ने सेम लेवल से शुरुआत की और आप हल्का सा भी उनसे ऊपर निकल जाओ तो ये चीज 99% ऑफ द दोस्तों को सहन नहीं होती कि भाई ये कैसे होगा, ये तो हमारे साथ बकचोदी किया करता था, अब इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है। They start getting jealous of you and you start noticing कि उनका बिहेवियर हल्का हल्का चेंज होने लगा है। इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि भाई दुनिया बड़ी मैनिपुलेटिव है, आपको उस बबल से निकलना पड़ेगा। बट एक चीज मैं अगर आपको फ्रेंकली बताऊं तो आपके स्कूल और आपके कॉलेज के दोस्त आपके साथ पूरी लाइफ नहीं रहने वाले। हो सकता है आप उनसे लाइफ में आगे निकल जाओ, या फिर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें पकड़ के बैठो और पूरी लाइफ उसी स्टेज में अटक जाओ। लर्न दिस ब्रूटल ट्रूथ अबाउट लाइफ दैट यू आउटग्रो योर फ्रेंड्स एंड लाइफ के एक स्टेज में ये डीअटैचमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप कभी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है उस दोस्त में आपके जितना डेडिकेशन ना हो सकता है वो दोस्त इतना पैशनेट ना हो लाइफ में कुछ करने के लिए, हो सकता है उस दोस्त के बाप के पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है उस दोस्त को लाइफ में कुछ उखाड़ना ही ना हो और बस मजे करने हो। तो ऐसा इंसान आपको लाइफ में उसी स्टेज पे अटका रखेगा जहां पे वो खुद है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, ये वीडियो 1-on-1 कन्वर्सेशन जैसे होने वाली है, आपको ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली आप मुझसे बात कर रहे हो। अब बढ़ते इस लॉ के सेकंड पार्ट पे, लर्न हाउ टू यूज योर एनिमीज। एनिमीज को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। फर्स्ट वन, बाय क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन विद देम। जब भी आप किसी से कॉम्पीट करते हो तो आपको एक बेंचमार्क मिलता है खुद को लेवल अप करने के लिए। एंड सेकंड पॉइंट इसके कंप्लीटली ऑपोजिट है, आपको एनिमी से कॉम्पीट तो करना है बट एक लेवल तक, बट जब जरूरत पड़े तब आपको कोलैबोरेट करना भी सीखना है। और इस चीज को हम दुनिया और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। बिजनेस में अमेजोन और फ्लिपकार्ट कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन ये बहुत सी स्टेजेस पे एक साथ भी आए हैं। जब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज को इन्हें टैकल करना था तब इनका म्यूचुअल बेनिफिट था और इसी वजह से ये एक साथ आए। दे न्यू हाउ टू कोलैबोरेट। और इसको दुनिया के पर्सपेक्टिव में अगर समझे तो COVID-19 जब आया था तब दुनिया के काफी ज्यादा बड़े बड़े सुपर पावर्स जैसे USA, रशिया, फ्रांस, इटली, इंडिया, सारे के सारे लोग एक साथ आए थे अपनी कॉम्पिटिशन को दूर रख के, बिकॉज ऐसे मूवमेंट में इन सबका एक म्यूचुअल बेनिफिट था, विच वॉज नॉट कोविड। कोविड तो सेकेंडरी था, इनका सबसे मेजर बेनिफिट था डिफीटिंग चाइना, बिकॉज चाइना एक ऐसे मूवमेंट पे पहुंच चुका था जहां पे वो एक सुपर पावर बनने से बस एक कदम दूर था। एंड नन ऑफ दिस कंट्रीज वांटेड दैट टू हैपन, बिकॉज ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज हो जाती। इस वीडियो को मैं काफी ज्यादा शॉर्ट और सिंपल रखना चाहता हूँ, मुझे कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी और ना ही इस वीडियो को आपको कहीं पे शेयर करना है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे ही आपको वैल्यूएबल नॉलेज में डिलीवर करता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, मेक श्योर आप एक छोटा सा कमेंट तो ड्रॉप करके जाओ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।